मित्रों, आप सभी लोगों को नवमी और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चारों तरफ माहौल उत्सवमय हो गया है, त्योहारमय है और मौसम भी इतना बढ़िया है। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बीच आप लोगों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, स्पेशली एपीएस को लेकर के। क्या एपीएस की परीक्षा रद्द हो जाएगी? पेपर में 2013 के एपीएस के एग्जाम को लेकर के कुछ कटिंग निकली है, उसको लेकर के विद्यार्थी स्टूडेंट सारे लोग घबरा गए हैं कि ऐसा कुछ होगा क्या। मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर बता दूं कि एपीएस 2023 के विज्ञापन भर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई निरस्त नहीं होगी, कोई रद्द नहीं होगी। गारंटी है इस बात की। चुपचाप पढ़ते रहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भटकाव के। इस परीक्षा में ना तिथि में कोई बदलाव होगा, ना इस परीक्षा के किसी भी चीज़ में बदलाव होने जा रहा है अब। यानी ये परीक्षा अपने नियत समय पर, जैसा मैंने पहले बताया है, होकर ही रहेगी। और जो है, आप लोगों को सिर्फ लगे रहना है, बस इतनी बात ध्यान रखना है। अब रही बात दो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो बुक है वो प्रयागराज और कानपुर की बाज़ार में भी अब उपलब्ध हो गई। एपीएस की बुक अब उपलब्ध हो गई है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। आप लोग जो है हिंदी के लिए, थोड़ी सी और जानकारी, हिंदी के लिए आप लोग जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अपने यूट्यूब पर और ऐप पर, उसको भी आप देख सकते हैं। चुपचाप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, किसी भी खबर, किसी भी चीज़ों पर अब ध्यान न दीजिए। एपीएस परीक्षा में कोई भी बदलाव होने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों को। अग्रिम शुभकामना दशहरा की और आज नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।